नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। वक्त हो गया है 5W1H का, लेकिन इस वक्त की एक अहम खबर आपको पहले दे देते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। डिंपल यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पूनम सिन्हा लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। बुधवार को लखनऊ में नामांकन का आखिरी दिन है। शत्रुघ्न सिन्हा हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं और उन्हें पटना साहिब से टिकट मिला है। लखनऊ में 6 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। तो इस वक्त की अहम सियासी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है। और अच्छा ये है कि डिंपल सांसद जो खुद चुनाव में लड़ रही हैं, उन्होंने सदस्यता दिलाई है। हमें उम्मीद है कि पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के विवादित बोल पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने बेतुकी सफाई दी है। अब्दुल्ला आजम का कहना है कि मुस्लिम होने की वजह से आजम खान पर बैन लगाया गया। आजम खान पर बैन के फैसले पर बेटे अब्दुल्ला खान की बेतुकी सफाई। रामपुर में अब्दुल्ला खान ने कहा मुस्लिम होने की वजह से आजम खान पर बैन लगाया गया। आज अब्दुल्ला आजम ने कहा कि आजम खान ने जयप्रदा का नाम नहीं लिया। आजम खान के चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने 72 घंटे की रोक लगाई है। आजम खान ने रामपुर में बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा पर विवादित बयान दिया था। आजम के बेटे ने कहा बीजेपी को खुश करने के लिए आजम खान पर एक तरफा कार्रवाई की गई है। आजम के बेटे अब्दुल्ला खान ने चुनाव आयोग पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। यही नहीं, अब्दुल्ला खान ने कहा कि आजम पर मुस्लिम होने के चलते बैन लगाया गया है। अब्दुल्ला खान ने कहा कि आजम खान ने जयप्रदा पर बयान नहीं दिया था। आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे, क्योंकि आजम खान को भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आजम खान को बैन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ साहब को बैन किया था इसलिए, ताकि ऐसा ना लगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी और भारतीय जनता पार्टी के आला नेता नाराज ना हो जाए, इसलिए आजम खान को भी बैन कर दिया। चुनाव आयोग के सख्त एक्शन के बाद भी सिद्धू जैसे नेताओं को डर नहीं है। आज बिहार में सिद्धू ने मुस्लिम वोटर्स से धर्म के आधार पर वोट देने को कहा। वहीं मायावती को सुप्रीम कोर्ट से करारा सबक मिल चुका है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का विवादित बयान, मुस्लिम वोटर्स से धर्म के आधार पर वोट करने को कहा। बिहार के कटिहार में सिद्धू ने कहा मुस्लिम मिल जाए तो मोदी की हार तय। आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, चुनाव प्रचार पर बैन हटाने से किया इनकार। सिद्धू ने कहा बीजेपी ने ओवैसी को खड़ा करके बांटने की साजिश की। धर्म के नाम पर वोट मांगने पर चुनाव आयोग ने मायावती और योगी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। चुनाव आयोग के बैन के बाद लखनऊ के हनुमान मंदिर में योगी ने पूजा की, अगले 3 दिन नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। 48 घंटे के चुनाव प्रचार के बैन के आदेश पर रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए मायावती की मांग खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चुनाव प्रचार पर बैन के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया जाना चाहिए। मायावती जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मायावती जी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने मेंशन किया था कि आज हमारी ये याचिका को दोपहर 2 बजे के लिए लगा दिया जाए, क्योंकि आज आखिरी दिन है सेकंड फेज की पोलिंग का, प्रचार का, तो कोर्ट ने उसे रिफ्यूज कर दिया। बिहार के कटिहार में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने विवादित बयान दिया। सिद्धू ने धर्म के आधार पर वोट की अपील की। सिद्धू ने कहा कि वैसी जैसे नेता धर्म के नाम पर वोट में बंटवारा कर रहे हैं, अगर मुस्लिमों ने मिलकर वोट डाला तो मोदी को हारने से कोई नहीं रोक सकता। ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। किसी धर्म विशेष के लोगों से अपील करना, वो अगर एकजुट होकर वोट देंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि सिद्धू ने एक धर्म विशेष का नाम लेकर और जिस तरह की अपील की है, ऐसे लोगों पर तत्काल चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए।
बीजेपी ने बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस अहमद के तृणमूल प्रत्याशी की रैली में प्रचार करने की शिकायत चुनाव आयोग से की है। आज मोदी के दो दिग्गज मंत्रियों ने नामांकन दाखिल किया। लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह और जयपुर ग्रामीण से सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने पर्चा भरा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने नामांकन दाखिल किया। लखनऊ से राजनाथ सिंह और जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन राठौर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। आज लखनऊ में नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने रोड शो किया। बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। जयपुर ग्रामीण में राज्यवर्धन राठौर का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा पूनिया से है। राजनाथ सिंह और राज्यवर्धन राठौड़ अपनी अपनी सीट से दूसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं। लखनऊ सीट पर 1991 से बीजेपी का कब्जा है। 2014 में जयपुर ग्रामीण से जीत मिली थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नामांकन से पहले लखनऊ में विशाल रोड शो निकाला। रोड शो में जेडीयू महासचिव केसी त्यागी, सुधांशु त्रिवेदी, कलराज मिश्र और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने मंदिर में पूजा की और चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। तमिलनाडु और केरल में भी मोदी जी के प्रति अद्भुत आकर्षण मुझे देखने को मिला है वहां पर, और सारा देश यह चाहता है फिर से भारत का प्रधानमंत्री यदि कोई बनना चाहिए तो नरेंद्र भाई मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, यह सभी की एक ख्वाहिश है। जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन राठौड़ के नामांकन में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। नामांकन से पहले राज्यवर्धन मंदिर पहुंचे और जीत का आशीर्वाद मांगा। राज्यवर्धन का कांग्रेस उम्मीदवार कृष्णा पूनिया से मुकाबला है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने गुरुओं का आशीर्वाद, चाहे वो खेलों के अंदर कोच हो तो उनका आशीर्वाद, स्कूल के अंदर अध्यापक हो तो उनका आशीर्वाद, और अपने जीवन के अंदर सब जो हमारे बड़े उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं। हमें विश्वास है ये विजयी बन करके जयपुर ग्रामीण का ही नहीं राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे, और 2019 में ये देश मोदी जी को दोबारा मौका देगा, क्योंकि मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो हिमालय जैसा है और उनके मुकाबले दूसरा कोई दिखता नहीं दूर दूर तक। 2019 चुनाव में प्रचार के लिए पीएम मोदी लगातार रैली कर रहे हैं। ओडिशा में पीएम मोदी ने दावा किया कि पहले चरण से भारी जीत के संकेत मिले हैं। पीएम का विपक्ष पर हमला, चौकीदार का समर्थन देख सबके होश उड़े। ओडिशा के संबलपुर में पीएम का कांग्रेस पर निशाना, मलाई खाने वालों को जनता की चिंता नहीं। आज पीएम बोले, सरकार बनी तो कोई दलाल आपके पैसों पर पंजा नहीं मार पाएगा। पीएम ने कहा, विपक्ष ने नक्सलियों को क्रांतिकारी कहकर शहीदों का अपमान किया। पीएम का पटनायक सरकार पर निशाना, लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। पीएम ने कहा कि नई सरकार बनी तो जल शक्ति और मत्स्य मंत्रालय बनेगा। लोकसभा चुनावों के प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा, ईमानदार और मजबूत सरकार के लिए लोगों की भारी भीड़ को देखकर विपक्ष के होश उड़ गए हैं। उन्होंने कहा, 23 मई को केंद्र में फिर से सरकार बनी तो आपके पैसों पर कोई दलाल पंजा नहीं मार सकेगा। साथ ही पीएम ने सरकार बनने पर पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और मछली पालन से जुड़े लोगों के कल्याण के लिए मत्स्य मंत्रालय बनाने का वायदा किया। इसके बाद पीएम ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस पर निशाना। पीएम ने कहा, नक्सलियों को क्रांतिकारी बताकर कांग्रेस ने उनका हौसला बढ़ाने का काम किया और अपनी सेना का अपमान किया। इतना बड़ा जनसैलाब, इतना जोश, ऐसी ही तस्वीरें जब टीवी के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच रही है, तब कई लोगों के होश उड़ रहे हैं। ओडिशा के हर किसान के खाते में सीधे पैसा आएगा। कोई दलाल आपके पैसे पर पंजा नहीं मार पाएगा। नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने का एक दौर कांग्रेस के भीतर चल पड़ा था। नक्सलियों को क्रांतिकारी कह रहे थे। आज जो यहां हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा
नक्सलियों का हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ही हो रहा। चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नेताओं का प्रचार अब से थोड़ी देर बाद थम जाएगा। 18 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। थोड़ी देर में थम जाएगा लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार। 13 राज्यों की 97 सीटों पर शाम 5 बजे खत्म होगा चुनाव प्रचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 18 अप्रैल को वोटिंग होगी। हेमा मालिनी, राज बब्बर, फारूक अब्दुल्ला जैसे कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। कानून के मुताबिक 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना चाहिए। 17वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में वोटिंग, 23 मई को नतीजे आएंगे। अब से कुछ देर बाद लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा। 2 दिन बाद 18 अप्रैल को देश की जनता 17वीं लोकसभा चुनने के लिए वोट डालेगी। दूसरे चरण में 13 राज्यों में 97 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में मथुरा से हेमा मालिनी, फतेहपुर सीकरी से राज बब्बर, श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला, चेन्नई सेंट्रल से दयानिधि मारन और बीजेपी के सबसे युवा नेता तेजस्वी सूर्य बेंगलुरु साउथ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कर्नाटक के तुमकुर में रोड शो किया, जबकि इससे पहले चुनावी रैली में शाह ने लोगों को चेताया और कहा अगर देश में गठबंधन की सरकार आई तो हर दिन देश का नया प्रधानमंत्री होगा। वहीं असम के सिलचर में राम माधव ने मोदी सरकार के बनने का दावा किया और कहा कि मोदी को रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। गठबंधन की सरकार आई तो सोमवार को मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को अखिलेश यादव बनेंगे, बुधवार को देवगोदा जी बनेंगे, गुरुवार को चंद्राबाबू नायडू बनेंगे, शुक्रवार को शरद पवार बनेंगे, शनिवार को बहन मायावती ममता दीदी बनेगी और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। जिनका नेता न हो देश फिर से चला सकते हैं क्या? हमने इस देश के सामान्य व्यक्ति का जीवन में एक सम्मान लाया है और ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। इसको लेकर हम देश की जनता के सामने आज जा रहे हैं। हमको पूरा विश्वास है कि देश की जनता और एक बार मोदी सरकार के लिए पूरा समर्थन देगी। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी और आरएसएस मिलकर कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का कांग्रेस पर आरोप। मुर्शिदाबाद में चुनावी रैली के दौरान ममता ने कहा बंगाल में कांग्रेस आरएसएस में सांठगांठ। कल ममता बोली आरएसएस प्रणब के बेटे के लिए प्रचार कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि प्रणब ने आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए आरएसएस से मदद ले रही है कांग्रेस। ममता का कहना है कि कांग्रेस की चुनाव जीतने की रणनीति इस बार सफल नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की मदद लेने का आरोप लगाया। ममता ने 2018 में नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हिस्सा लेने का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आरएसएस प्रणब मुखर्जी के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत मुखर्जी के लिए प्रचार कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पास कांग्रेस की योजनाओं का पिटारा है जिसे खोलने के लिए बाध्य न किया जाए। ममता ने रैली में लोगों से राज्य में कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट दलों को चुनाव में हराने की अपील की। জঙ্গিপুরে আর হচ্ছে বহরমপুরে অধিক চৌধুরী হয়ে কাজ করছে আরএসএস।